हेलो ऑल, दिस इज बुद्धि खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट कॉमर्स। स्टैटिस्टिक्स में मोड पे वर्क कर रहे हैं और मोड में मैं बता रही हूँ, मैं इससे पहले वीडियो बना चुकी हूँ मोड ग्रुपिंग मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। आज की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मोड में इंस्पेक्शन मेथड से सिखाने जा रही हूँ। ईजी है, ग्रुपिंग मेथड में थोड़ा ज्यादा काम है, आपके इंस्पेक्शन मेथड में थोड़ा कम काम है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको कौन से मेथड से करना है तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये मोड आपके लिए 11th में भी चाहिए, सीए फाउंडेशन में भी चाहिए, बीकॉम में भी अगर स्टैटिस्टिक्स आती है तो भी चाहिए, आगे भी अगर कभी स्टैटिस्टिक्स आती है, बीबीए में भी स्टैटिस्टिक्स आती है तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो आपको करना ही करना है। ठीक है जी, तो मोड जो ऑब्जर्वेशन मेथड से और इंस्पेक्शन मेथड से जो कैलकुलेट होता है, आपका इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज होती है। पहले तो आपको सीरीज का आइडेंटिफिकेशन करना है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि तभी आप मेथड लगा पाएंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज में क्या करना है, आपको इस तरीके का एक न्यूमेरिकल दिया होगा, मैंने तीन तरह के न्यूमेरिकल सामने लिख दिए हैं टाइम सेव करने के लिए कि मैं बाद में नोट ना करूं। तो जो इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास क्वेश्चन आएगा, फाइंड मोड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स, आपके पास 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, ये इस तरीके से आपको मार्क्स गिवन है। ठीक है, पहला काम क्या करना होता है, जो भी आपको सीरीज गिवन है उसको आप चेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करती हूँ तो इसमें मेरा सबसे लोएस्ट नंबर है 12, then 13, then 14 नहीं है, 15 है मेरे पास, और 15 मेरे पास 2 times है, उसके बाद 16 मेरे पास नहीं है, 17 भी मेरे पास नहीं है, और मेरे पास 18 1 2 3 times है। ठीक है जी, 18 के बाद 19, बिल्कुल आई एम हैविंग 19, then 20 also आई एम हैविंग 20, only 120 इज देयर, then 21 22 and 23। ठीक है जी, हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, और हमें उस जो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है एक ऐसा हमें वेरिएबल पकड़ना है, वो फ्रीक्वेंसी देखनी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में आ रही है। यहाँ पर हमारे पास 18 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिकवर हो, क्या कहते हैं, रेकरेंट हो रहा है। रेकरेंट मीन्स कितनी बार उसको आप उस फ्रीक्वेंसी को देख पा रहे हो, कितनी बार वो आ रही है। तो जी आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो मोड हो गया, जेड जो हो गया आपका, मोड इज रिफ्लेक्टेड बाय जेड 18, यानी वैल्यू विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इंडिविजुअल सीरीज में वो वैल्यू पकड़नी है जो सबसे ज्यादा बार हमारी रेकरेंट हो रही है। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स आ रहा है, बाकी सारे नंबर 2 टाइम्स या सिंग 1 टाइम ही आ रहे हैं। तो 18 इज योर मोड। यहां पर आप हम इंस्पेक्शन मेथड से हम टैली मार्क्स लगा के भी कर सकते हैं, और टैली मार्क्स में भी काउंटिंग ही हो रही है आपकी फ्रीक्वेंसी की, तो आप चाहे टैली मार्क्स से कीजिए और चाहे आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके कर लीजिए, दोनों मेथड करेक्ट हैं। अब आपके सामने आ रही है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास एक वेरिएबल होता है विच इज डिनोटेड विद एक्स एंड देर इज अ फ्रीक्वेंसी, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज विल बी गिवन टू यू। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो फ्रीक्वेंसी 2, 8, 10, 20, 10 and 5 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी 20, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के टाइम पे हमारा जो वेरिएबल था दैट इज 40, तो इस केस में हमारा जेड हो गया 40। देखिए जी, इंडिविजुअल सीरीज के केस में, डिस्क्रीट सीरीज के केस में बहुत ही इजीएस्ट वे है मोड निकालने का, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम मैं बताती हूँ बच्चों कहाँ आती है। एक्चुअली क्या होता है, जब मेजर सेंटर टेंडेंसी आप चैप्टर करते हैं तो चैप्टर के अंदर आपका मीन है, मोड है एंड देन मीडियन है, देयर आर 3 टाइप ऑफ थिंग्स। उसमें भी सीरीज के अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूलाज हैं, उसके साथ साथ आपके मोड में भी ऑब्जर्वेशन ये इंस्पेक्शन मेथड भी है और आपका ये ग्रुपिंग मेथड भी है। तो कंफ्यूजन जो होता है वो फॉर्मूलाज की वजह से होता है, सीरीज की वजह से होता है, अदरवाइज अगर ये चीज आपको याद हो जाती है तो सारा काम बहुत ईजी है। बट ये आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए अपनी टेबल पे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि डिफरेंस क्या है। अब ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले जी, अब आइए कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में मोस्टली आपको वैसे ही इसी तरीके से आपको एक्स की वैल्यू गिवन होगी और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, लेकिन क्लास इंटरवल्स के साथ। आपकी जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें आपका क्लास इंटरवल आता है बेसिकली। अब क्लास इंटरवल जब भी आ जाए तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, सेम चीज हम ग्रुपिंग मेथड में भी हमने यही सिखाई। क्लास इंटरवल के केस में एक फॉर्मूला लगता है मोड निकालने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला जो इसमें स्टेप है,
हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्या किया था, फ्रीक्वेंसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखी थी। इसी तरीके से कंटिन्यूस सीरीज में भी हम चेक करेंगे कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 15। ठीक है जी, हाईएस्ट वैल्यू के टाइम पे हमारी जो एक्स की वैल्यू थी, वो जो हाईएस्ट वैल्यू है नंबर ऑफ वर्कर्स 15 है, वो 300 to 400 मॉडल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, देखिए जी, हमारा जो मॉडल ग्रुप हो गया, इसे हम मॉडल ग्रुप बोलिए या मॉडल क्लास बोलिए, दैट इज 300 to 400, क्योंकि फॉर्मूला जो है इसी के हिसाब से ही लगेगा। ठीक है, हमने मॉडल ग्रुप आइडेंटिफाई किया जहां पर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला है जेड इक्वल्स टू यानी मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब मैं आपको सारी चीजें समझा दूँ कि इसके अंदर है क्या। देखिए जी, वट इज L1, ये जो 300 है दिस इज योर L1 और दिस इज 400, दिस इज L2। हमें L2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ वैसे बताया आपको। अच्छा, F1 क्या कहेंगे, F1 हमारी जो होती है मॉडल, जो हमारा ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज F1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे F0 है यानी मॉडल ग्रुप से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, प्री मॉडल ग्रुप फ्रीक्वेंसी, दैट इज F0। एंड F2 इज पोस्ट फ्रीक्वेंसी, पोस्ट मॉडल ग्रुप फ्रीक्वेंसी, दैट इज F2। पहले तो आइडेंटिफिकेशन F1, F2 और F0 का आना चाहिए, वो क्लियर होता है तो बस फॉर्मूले पुट करना है। वट इज I, I इज द क्लास इंटरवेल यानी 300 माइनस 400 कितने का डिफरेंस है, 100 का। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले में पुट करती हूँ, हमारा जो मॉडल ग्रुप था 300 to 400, उस टाइम पे L1 हमारी थी 300। ठीक है जी, प्लस F1 की वैल्यू हमारी है 15, F0 की वैल्यू है हमारी 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1, F1 इज 15 माइनस F0 दैट इज 7 और माइनस F2 दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई इंटरवल, क्लास इंटरवल जिसमें डिफरेंस है 100 यानी 200, 300 और 400 के बीच का डिफरेंस। इस तरीके से आपको बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए जी, अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और अपना मोड कैलकुलेट करते हैं, 300 प्लस। ठीक है जी, हमारे पास 15 माइनस 7 है तो हमारी वैल्यू आई 8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 30, 30 में से हमने 7 एक माइनस किए, 10 एक माइनस किए तो हमारा आ गया 13 इंटू 100। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 8 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 100 तो आ रही है हमारी 300 प्लस 61.5 तो 361.5, दिस इज योर जेड। हमने जब ग्रुपिंग मेथड किया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो ग्रुपिंग मेथड में भी हमें क्या करना पड़ता था, एक हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ती है, एक एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है और कंटिन्यूस सीरीज में उसके बाद यही फॉर्मूला वहां पर भी अप्लाई होगा। अब ध्यान रखिए, मोड में दोनों केस में, चाहे आप ग्रुपिंग मेथड से करें चाहे आप ऑब्जर्वेशन मेथड से करें, दोनों मेथड में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन करने का वे डिफरेंट है, ये ध्यान रखना है। क्लास इंटरवल पे ध्यान रखना है, क्लास इंटरवल अगर आपको इस तरीके से नहीं है, कभी कभी आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन होती है तो इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तब आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो भी मैं क्वेश्चंस ना लेने वाली हूँ आगे, अभी मेरा स्टार्ट ही हुआ है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वर्क, तो उस तरीके से मैं उसको समझाऊंगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे ध्यान से करेंगे, ये तीन न्यूमेरिकल करने हैं, तीन न्यूमेरिकल भी कहाँ है, ये तो दो दो मिनट के न्यूमेरिकल है, इनको करके आपका काम बन जाएगा, मोड आपको समझ में आ जाएगा। और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का मुझे वीडियो पहले बना देनी चाहिए, कोई चीज आपको परेशान कर रही है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वैसे हम अकाउंटिंग पे भी वीडियो बनाते हैं और माइक्रो पे भी सीरीज नहीं आई है, मैक्रो पे बन रही है, 11th और 12th की अकाउंटिंग भी कवर हो रही है, कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसको मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बनाऊंगी। प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है, क्वेश्चन में जब भी कभी कंटिन्यूस सीरीज आपको गिवन है तो उस केस में आपके पास मोड निकालने के लिए आपको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो उसको आपको कैसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है वो भी मैं आगे समझाऊंगी। अभी मैं आपके सामने क्या ले रही हूँ, मैंने एक आपके सामने न्यूमेरिकल लिया है और इस न्यूमेरिकल के अंदर ना आपको मिड वैल्यू गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब कभी भी क्वेश्चन के अंदर मिड वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आपको क्लास इंटरवल कैसे
कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल कैलकुलेट करोगे तभी ये मोड का फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली जब भी हमारा क्लास इंटरवल होता है, अगर हम देखें तो बच्चे फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं बताती हूँ आपको क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है L1 का और L2 का। मिड वैल्यू हमें गिवन है, अगर फॉर एग्जांपल मिड वैल्यू हमारे पास 10 है, माइनस वन हाफ ऑफ डिफरेंस, 10 से 20 में कितने का डिफरेंस है 10, तो हमने क्या किया 5 आया, 10 में से 5 माइनस किया तो हमारा हो गया 5। अब यहाँ मिड वैल्यू हमारे पास कितनी है, L2 निकालने के लिए मिड वैल्यू इज 10 प्लस वन हाफ ऑफ क्लास इंटरवल, हमारा कितना आ गया 5, 15। तो अब हमारी जो L1 की वैल्यू बनी वो 5 और L2 की वैल्यू बनी 15, तो 5 to 15 दिस इज योर क्लास इंटरवल। देन आप आगे, अगर आप आगे जो नेक्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट करते जाएंगे तो इसी तरीके से आएगा 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, और 45 to 55। ये आपका बना क्लास इंटरवल। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 20, 10 एंड 5। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है, 20 में। ये है आपका मॉडल ग्रुप। जब आप मॉडल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बस आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूले में हमारी 25 जो है हमारा दिस इज द L1, ठीक है जी। उसके बाद जो F1 की वैल्यू है, दिस इज योर F1 वैल्यू, दिस इज और योर F0 वैल्यू एंड दिस इज योर F2 वैल्यू। ये तो प्रीवियस दो वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ, बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपको मोड निकाल लेना है। ये काम तो आपको करना है जब आपके पास मिड वैल्यू गिवन है, और सीधा बस आप ये वैल्यूज पुट करेंगे। L1 की वैल्यू आई आपकी 25, F1 की वैल्यू आई आपकी 20, F0 की वैल्यू है आपकी 8, फिर से F1 की वैल्यू 20 है, F0 की वैल्यू आपके पास 8 है और F2 की वैल्यू आपकी 10 है, और इंटरवल जो आपका आया है वो आया है 10। फॉर्मूले में पुट कीजिए, मोड निकाल सकते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कैसे करना है, हमारे पास कभी कभी गिवन होती है ये दी हुई है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज। मैं वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखती हूँ जिससे उसको कन्वर्जन आपको आया, और कन्वर्जन करने के बाद उसके अंदर एक और ट्रिकी पॉइंट है, वीडियो को देखते रहना क्योंकि वो जो ट्रिकी पॉइंट है उसकी वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जो मैं अभी ट्रिकी पॉइंट बताने वाली हूँ उसमें क्या है कि आपको बोला है मोड निकालो और आप निकाल रहे हैं इंस्पेक्शन मेथड से, और इंस्पेक्शन मेथड से उसमें मोड नहीं निकलेगा, उसमें आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा क्वेश्चन में वो मैं बताने जा रही हूँ, बने रहिएगा वीडियो में, करते हैं। चलिए जी, चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, लेस देन 100 हमारी वैल्यू है 20, लेस देन 228, लेस देन 348, लेस देन 460, लेस देन 565 और लेस देन 668। अगर इस तरीके से आपको सीरीज गिवन है तो पहले तो इसको आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं बताने जा रही हूँ कि एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास लेस देन 100 गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू लेनी है 0 to 100, 100 to 200, पहले तो सीरीज बना लेते हैं, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 and 500 to 600, ठीक है जी। ये तो हमारा हुआ क्लास इंटरवल। इसके बाद हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी तो हमारे को बताया लेस देन 200 हमारे पास 20 है। अब ये कह रहे हैं लेस देन 200, लेस देन 200 का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पे 0 से लेकर 200 तक की वैल्यू गिवन है, यानी उसमें 0 टू 100 वाली वैल्यू भी कवर्ड है। तो 100 टू 200 में आपको करना क्या पड़ेगा, 28 माइनस 20 इक्वल्स टू 8, यहाँ फ्रीक्वेंसी आई आपकी 8। अब बोला है लेस देन 300, लेस देन 300 आपके हैं 48, जिसके अंदर ये दोनों वैल्यू भी तो कवर है, तो 48 माइनस 28 यानी कि 20। इसके बाद लेस देन 400 में इन्होंने दिया आपको 60 माइनस 48 इक्वल्स टू 12। उसके बाद लेस देन 500 आपको बताया 65 माइनस 60 इक्वल्स टू 5। देन आपको बताया 68 माइनस 65 इक्वल्स टू 3। अब मैंने किया क्या, आपको एक लेस देन सीरीज गिवन थी, तो आपको इस लेस देन सीरीज पे वर्क करना था,
और लेस देन सीरीज में जब आप वर्क कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको माइनस करते हुए चलना है। माइनस करते हुए चलोगे तभी काम बनेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। तो इस तरीके से करते हुए चलेंगे। इस टेबल में एक चीज और आइडेंटिफाई करनी है। देखिए जी, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक यहाँ पर भी आ रही है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी आ रही है। अब दो मॉडल ग्रुप लेके तो हमारा इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन होगा नहीं। इंस्पेक्शन मेथड से कैसे क्वेश्चन होना है वो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आप लगा के वैल्यू लगा के मैं पुट नहीं करने वाली हूँ। जिस पॉइंट के पीछे मैंने ये वीडियो बनाई थी, पॉइंट इज दिस कि आपके पास यहाँ पर भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इंस्पेक्शन मेथड से ये न्यूमेरिकल तो होगा नहीं। अब बच्चे कहते हैं मैम दो जगह आ गई, कौन से वाले को पुट करें। इस केस में अगर आपको कुछ करना है तो जब भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के मॉडल ग्रुप दो आते हैं, इस केस में आप अगर कुछ कर सकते हो तो आप ग्रुपिंग मेथड से कर सकते हो। ग्रुपिंग मेथड का लिंक मैं नीचे दे रही हूं, आप वहां देख सकते हैं, क्योंकि वो भी समझाने में पूरा टाइम लगता है। दोबारा वीडियो में मैं ये समझाने नहीं वाली। तो ध्यान रखिए, ग्रुपिंग मेथड में आपको पहले ग्रुपिंग टेबल बनानी है, एनालिसिस टेबल बनानी है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लग नहीं सकता, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन मेथड में या आपके इंस्पेक्शन मेथड में डायरेक्ट लग जाता अगर हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल मॉडल क्लास से बिलोंग करती। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। एक चीज मुझे ये डिस्कस करनी थी, उसके अलावा मुझे एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है। एक और तरीके की टेबल आती है, मैं डेटा ले रही हूं बुक में से अपनी, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर कर रही हूं। मोड में क्या क्या सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। वैल्यू आपको गिवन है 1 to 9, उसके बाद 10 to 19, 20 to 29, देन 30 to 39 एंड देन 40 to 49, ठीक है जी। इस तरीके की वैल्यू गिवन है। ये आपकी जो सीरीज है ये इंक्लूसिव सीरीज है, जिसको मैं बता रही थी 5, 7, 11, 5 और 2, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब जब कभी भी आपके पास इंक्लूसिव सीरीज आती है तो उसको आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तभी आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें करना क्या है, 1 और ये 9 दिया हुआ है और नेक्स्ट वैल्यू इज 10, तो दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है, तो हमें करेक्शन फैक्टर करना होता है L1 ऑफ सेकेंड क्लास माइनस L2 ऑफ हमें क्लास, डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखिए, L1 क्या हुआ, दिस वन। L2 क्या हुआ, दिस। L1 ऑफ सेकेंड क्लास, L1 लेंगे हम सेकेंड क्लास का, दैट इज 10, और L2 हम लेंगे फर्स्ट क्लास का, दैट इज 9, डिवाइडेड बाय 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 आ गया आपके सामने। अब जब आपके सामने 0.5 आया तो आपको करना क्या है, जब आप क्लास इंटरवल बना रहे होंगे, यानी कि वैल्यू जो निकाल रहे होंगे, यानी x की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें से भी 0.5 माइनस होगा, इसमें से भी 0.5, इसमें से 0.5 माइनस होगा, इसमें आप प्लस करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारा हो गया 0.5 और 9 में अगर हम प्लस करेंगे तो 9.5, यानी L1 में हमें ये वैल्यू माइनस करनी है और L2 में ये वैल्यू हमें प्लस करनी है पूरी क्लास को बनाने के लिए। अब ये 10 है, 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 हो गया, और 19 में 0.5 प्लस करेंगे तो 19.5 हो गया। इसी तरीके से 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा 19.5 हो गया, और 29 में प्लस करेंगे 29.5 हो गया। फिर 30 में फिर से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 29.5 हो गया, 39 में प्लस करेंगे तो 39.5 हो गया। उसके बाद 40 में से फिर 0.5 माइनस करेंगे तो आ गया 39.5, और 49 में हम करेंगे 0.5 प्लस। अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो थी हमारे पास 5, 7, 11, 5 एंड 2। अब यहाँ से देखिए, 0.5 से 9.5, तो ये भी 9.5 हो गया, ये भी 9.5 हो गया। अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है, 11 में, दिस इज योर मॉडल ग्रुप। जब मॉडल ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया तो ये फॉर्मूला लगाना है, दिस इज 11 इज योर F1, 7 इज योर F0 एंड 5 इज योर F2। जब ये आइडेंटिफिकेशन हो गया तो ये फॉर्मूला लगा के आपको कैलकुलेट करना है, एंड I इज द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस, दैट्स इट। ये करना है और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और मोड निकाल लेना है, बस इतना काम है। इस वीडियो में प्रोबेबली मैंने सारे केस कवर कर दिए, सिवाय एक आपका ग्रुपिंग मेथड कवर नहीं हुआ, उसकी वीडियो सेपरेट है,
वहां जाके देखिएगा, दो वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रीट की अलग है और आपकी इंस्पेक्शन उसकी कंटिन्यूस की अलग है, दोनों देखिए। तीन वीडियो टोटल इन ऑल आपकी मोड की है, मोड 100% क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट ऑल। हम स्टैटिस्टिक्स पे वर्क कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में मीन मैं समझा चुकी हूँ, मोड पे बना रही हूँ, ज्यादा वीडियो नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट को कवर कर रही हूँ। अब ग्रुपिंग मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, पहले उसको देखिएगा, जल्दी समझ में आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज माई कंटिन्यूस सीरीज, और कंटिन्यूस सीरीज में हमें कैसे मोड निकालना है बाई ग्रुपिंग मेथड, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो हमें करना क्या है, एक हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, एक हमें एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज से करते हैं तो हमारा आंसर ये दो टेबल बना के ही आ जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस सीरीज आपके पास है तो कंटिन्यूस सीरीज के केस में आपको ये एक फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। कैसे हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे मोड, मैं समझाने जा रही हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए तभी समझ में आएगा। और अगर वीडियो पे क्लिक किया ही है ना तो वीडियो देख के जाइएगा, जिससे कि आपको आ जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरी वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, लर्निंग के लिए, और लर्निंग काम हमेशा आती है, जरूर काम आएगी। देखिए जी, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास एक कंटिन्यूस सीरीज है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरीके से आपकी कंटिन्यूस सीरीज होती है जिसमें आपका क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। अब ये तो हमारे को बताए गए मार्क्स, अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, जो हमारे मार्क्स है दैट इज डिनोटेड विद एक्स, और जो हमारी क्या कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट इज डिनोटेड विद फ्रीक्वेंसी, यानी 0 to 5 के अंदर 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने स्कोर किया है। मोड में ध्यान रखिए कि हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली चीज चाहिए, उसको हमें ग्रुपिंग मेथड से कैसे करना है, तो हमें इस तरीके की दो टेबल बनानी है। देखिए अब मैं क्या करने जा रही हूँ, समझिए ध्यान से, 0 to 5 में 20 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, 5 to 10 में 5 स्टूडेंट ने स्कोर किया, 10 to 15 में 10 ने किया, तो इस तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है। अब हमें ग्रुप करना है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज द फर्स्ट, हमारा फर्स्ट हमारी कॉलम बन के आ गया। जो सेकंड टेबल है हमें क्या करना है, 2 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है जी, इस तरीके से ये 2 का बनाना है। फिर जो हमारा थर्ड है, थर्ड में क्या करना है, फर्स्ट नंबर छोड़ के फिर 2 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, 5 से 10 तक जाएंगे हम, फिर 15 से 18 तक जाएंगे, फिर 12 से 5 तक जाएंगे। ये नंबर अगर नहीं आ रहा ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा फोर्थ कॉलम होता है उसमें हमें 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, फर्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3, और आगे हमारे से 2 ही नंबर बच रहे हैं तो ग्रुप नहीं बन रहा है। फिफ्थ कॉलम में हमें फर्स्ट नंबर को छोड़ के आगे के 3 वेरिएबल से एक ग्रुप बनाना है, लेकिन जिसमें 3 वैल्यूज कवर होंगी, ठीक है जी। मेरी यहाँ पे लाइंस नहीं बनी हुई है, क्योंकि आपकी नोटबुक हो तो इसमें लाइंस होती हैं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। जो आपका 6 कॉलम होगा, फर्स्ट 2 नंबर्स को छोड़ के थर्ड से आपका बनेगा 3 नंबर्स का कॉलम, तो इस तरीके से बनाना है। साथ साथ मैं देखती हुई चलूंगी, इसमें होता क्या है बच्चों से कई बार नजर से कम मतलब इधर उधर हो जाता है नंबर, तो गड़बड़ हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, ग्रुपिंग करते हुए चलते हैं, वैल्यू निकालते हैं, 20 + 5 = 25, 10 + 15 = 25, 18 + 12 = 8, 9, 10 और 1 = 30, 5 + 3 = 8। ये हुआ कॉलम 2 का। अब कॉलम 3 में जाते हैं, फर्स्ट नंबर को छोड़ा हुआ है और ये दोनों वैल्यूज आपकी, इन दोनों वैल्यूज का आपको सम करना है, तो आपके हुए इन दोनों वैल्यूज का सम आया आपका 15, फिर इन दोनों वैल्यूज का आपको सम करना है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 133, देन 12 + 5 = 17, ठीक है जी। इसके बाद हमें 3 डिजिट्स लेनी है, मेरी फिंगर्स को देखिए ध्यान से, ठीक है, 20 + 10 = 30 + 5 = 35, ये 3 बंच लिया। अब इन 3 का बंच लेना है, ध्यान से देखिए, पहले 3 और फिर नेक्स्ट 3, ठीक है, 8, 9, 10 और 5, 15, 1, 2, 3 and 4, 45, आगे 3 का बंच बन नहीं रहा, बनता तो हम 3 का बंच और बना देते। अब जो हमारा फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट नंबर छोड़ के आगे के 3, फिंगर को देखिए मेरी, 15 + 10 = 25 + 5 = 30, इधर देखिए ध्यान से, फिर नेक्स्ट 3 हमारे कौन से कवर होंगे, 8, 9, 10 और 10 आपके हुए 10 और 5 = 15 और 1, 2, 3 = 35। इसके बाद
फर्स्ट टू नंबर्स को छोड़ेंगे आप और नेक्स्ट थ्री का बंच बनाएंगे। नेक्स्ट थ्री का जब हम बंच बनाते हैं तो हमारे 10 + 15 + 18 और यहाँ पे एक और बंच भी बन जाएगा, अभी आगे भी तीन आ रहे हैं, ठीक है जी। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1, 1, 2, 3 and 4, 43 आ रहा है। और इसके बाद इसका भी एक बंच बन के तैयार हो रहा है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 120। देखिए जी टेबल कैसे बनानी है, बेसिकली ये चीज मैटर करती है। पहले हमने क्या किया, टू टू वेरिएबल्स को हमने सम किया, फिर ऊपर वाला छोड़ के अगले टू को लिया इस वाले कॉलम में, फिर थ्री का बंच बनाया, इससे अगले में वन वेरिएबल छोड़ के नेक्स्ट से थ्री स्टार्ट किया और उससे नेक्स्ट में टू वेरिएबल छोड़ के फिर थ्री थ्री का बंच बनाया। ये बंच बनाना बहुत बड़ी चीज है, बंच बनाना आपको आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगी। या मैं मार्कर का कलर चेंज कर देती हूँ, आपको ईजी रहेगा। मेरे पास ब्लू मार्कर है, ठीक है जी, ब्लू मार्कर से करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 20 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 ही है, सर्कल लगाओ। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू 30, इसके बाद यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू 33, यहाँ पर आपकी 45, यहाँ पर आपकी 35 और ये आपकी 43, क्योंकि इसी के बेस पे एनालिसिस टेबल बननी है आपकी बेसिकली, तो उस पर हमें वर्क करना है। तो अब हम यहाँ पर फिर से साइज मेंशन करेंगे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। यहां तक हमने मेंशन किया। पहले देखिए टेबल बनाना ही ट्रिकी है, टेबल को एनालाइज करना ही ट्रिकी है, बाद में काम ट्रिकी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब हम एनालिसिस टेबल पे वर्क करते हैं। देखिए जी पहला वेरिएबल जो हमारा है, हाईएस्ट वैल्यू जो आई है वो 20 में आई है, वो 0 टू 5 सीरीज से बिलोंग करती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड कॉलम में जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू आई है 30, और वो इन दो ग्रुप से बिलोंग कर रही है, ध्यान से देखिए, 20 to 25, 25 to 30, 20 to 25 और 25 to 30, ये टिक गलत हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप थर्ड में 33 वेरिएबल आपका हाईएस्ट है और 33 वेरिएबल हमारा जो तैयार हुआ है ये 15 + 18 को लेकर तैयार हुआ था और इस टाइम पे 15 to 20 और 20 to 25, ठीक है जी। हमें ये चेक करना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू तैयार हुई है वो कौन से बंच से तैयार हुई है, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी ली है, वो कौन से वाले मार्क्स से बिलोंग करती है, उसमें हमें टिक लगाना है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ कॉलम में है 45 हाईएस्ट और 45 हमारा तैयार हुआ है, हमारे पहले तीन थे ये छोड़ दो, यानी ये नेक्स्ट थ्री से, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है। इसके बाद 35 जो हमारा तैयार हुआ है ये तीन बंच लेके, 18, 12 और 5 से हमारा 35 तैयार हुआ था, तो इस टाइम पे हमारी 20 to 25 के बाद 25 to 30 और 30 to 35। अब बचा सिक्स टेबल, सिक्स टेबल में 43 हमारा हाईएस्ट है, फर्स्ट टू वेरिएबल को छोड़ के ये तीन, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अब देखिए ये किया मैंने एनालिसिस, यानी जहां पे हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है उस फ्रीक्वेंसी में किसका समेशन हुआ है और उस समेशन के टाइम पे मार्क्स कितने थे उसको मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब हमें करना है टोटल, 0 to 5 में हमारे आ रहे हैं सिर्फ 1, 5 to 10 में हमारी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कोई, 10 to 15 में हमारा 1, उसके बाद 15 to 20 में 1, 2, 3, उसके बाद 20 to 25 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद हमारे 25 to 30 में 1, 2, 3, फिर 30 to 35 में 1 और 35 to 40 में
निम, कोई फ्रीक्वेंसी हमारी स्कोर नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, देखने वाली चीज है और समझने वाली चीज है। मैं इसीलिए आगे से हट गई हूँ कि आपको समझ में आए कि हमारा हो क्या रहा है। तो अब देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आई, किस मॉडल ग्रुप में आई हमारी, हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5। इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल क्या था, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल था 22-25। ध्यान से देखिए, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल है 22-25। यानी हमारा मतलब क्या बना, हमारा जो मॉडल ग्रुप है, इसे हम मॉडल ग्रुप बोलते हैं, मॉडल ग्रुप जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 22-25 है, ठीक है जी। और ये जो मॉडल ग्रुप है इसके बेस पे ही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बेसिकली। अब आप ध्यान से देखिए, 22-25 वाला जो हमारा डेटा था, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखने वाली ही चीज है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये आसान नहीं है, अप्लाई करना बहुत मैटर करता है। अब 22-25, अब हमारा काम क्या है बेसिकली, 22-25 इज दिस, उस टाइम पे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 18, ठीक है। अब हम जब हमारे 18 थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें करना क्या है, हमारा फॉर्मूला है मोड का L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू I। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, देखिए जी, हमारा मॉडल ग्रुप आया 22-25, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ये तो हुआ पहला आइडेंटिफिकेशन। आई क्या होता है, आई इज द क्लास इंटरवल, यानी डिफरेंस बिटवीन बोथ द वैल्यू। 0-5 में कितनी वैल्यू का डिफरेंस है, 5 का। अगर ये 0-10 होता तो यहाँ पर हमारा जो इंटरवल होता वो हमारा 10 हो जाता, ठीक है जी। अब हमारे पास है तीन और वेरिएबल, F1, F0 और F2। तो कैसे पता चलेगा, देखिए जी, हमारा मॉडल ग्रुप है 22-25, जो हमारा मॉडल ग्रुप है उस टाइम पे हमारी वैल्यू है 18, दिस इज F1। इससे पहले वाली वैल्यू को डिनोट करते हैं F0, और F1 के बाद वाली वैल्यू होती है F2। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए, L1 की वैल्यू थी 20 प्लस F1 कितना है, ध्यान से आराम से करने वाली चीज है, 18। F0 की वैल्यू कितनी है, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 की वैल्यू हमारी 18 माइनस F1 है ना, हाँ, फिर हमें क्या करना है, माइनस F0 इज 15, फिर हमारा माइनस क्या करना है, F2 दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय I इज 5, 0-5 के बीच का जो डिफरेंस है। ध्यान से देखिए, मैंने वैल्यूज को कैसे पुट किया है, दैट मैटर्स। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो आपको अपनी मैथ्स लगानी है, और मैथ्स इतनी तो बेसिक सबको आती ही आती है, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है बच्चों को, ठीक है जी। तो अब हमें करना कैसे, तो चलो जी हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। हमारा हुआ 20 प्लस, हम करते हैं, हमारा हुआ 18 इंटू 2 36, 36 माइनस 15 हमारा हुआ 21 माइनस 12 हमारा हुआ 9। यहाँ पर हमारी वैल्यू 9 आ रही है, 18 माइनस 15 3 आ रही है इंटू 5, ठीक है जी। ये हमारी वैल्यू आई 20 प्लस 1/3 हो गई इंटू 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, हमारा आ रहा है 20 प्लस 1.67, तो 21.67। ये जो हमारी वैल्यू आई, दिस इज अवर मार्क्स एंड दिस इज अवर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड, ये हमारी मोड की वैल्यू आई, ये जो हमारा निकल के आया दैट इज जेट। तो इस तरीके से आपको मोड कैलकुलेट करना है। कंटिन्यूस सीरीज का जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इट टेक्स टाइम, और ये पूरी ना डेडिकेशन से करने वाली चीज है, आराम से करने वाली चीज है, आराम से 2 या 3 न्यूमेरिकल बनाओ तब जाके समझ में आएगा, काम बहुत है। ध्यान से देखो तो काम बहुत है ग्रुपिंग टेबल के अंदर, बहुत, मतलब 10-15 मिनट डेडिकेटेड आपको एग्जाम में इसमें देने पड़ेंगे, बच्चों की ये गलत हो जाती है। तो वीडियो अगर धीरे धीरे देखोगे तभी समझ में आएगी, प्लीज पॉज कर करके देखिएगा, साथ साथ करिएगा, बेशक जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया इसी को ही साथ कर लीजिए, और अगर कोई लर्निंग हुई है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।